हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एन इम्पोर्टेंट सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा हाइपोथेसिस जो है ये क्या होती है, इसके टाइप्स और एक अच्छी हाइपोथेसिस कैसे लिखी जाती है, इसको हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। यानी इस टॉपिक पे दो वीडियोज़ बनेंगे। एक में हम जनरल हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे ये क्या होती है, इसके कुछ फीचर्स, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स और विथ एग्जाम्पल्स उनको समझेंगे और एक अच्छी जो हाइपोथेसिस है वो कैसे लिखी जाती है। बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, अगर मैं आपको कहूँगा कि ये जो हाइपोथेसिस है दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डिफ़िकल्टी आती है, बट यहाँ पे हम विथ एग्जाम्पल जिसको समझने की कोशिश करेंगे सो दैट कि जो कंफ्यूजन हमको रहता है हाइपोथेसिस को लेके वो यहाँ पे ना रहे। तो चलिए चलते हैं अपने डिस्कशन की ओर। ये जो हाइपोथेसिस है ये क्या होती है? पहली बात, अगर आप कोई भी रिसर्च लिख रहे हो, रिसर्च पेपर कोई भी आप लिख रहे हो, तो उसमें जो बेसिस मानी जाती है यानी जो बेस मानी जाती है वो है हाइपोथेसिस बिल्डिंग, हाइपोथेसिस बिल्डिंग। यानी एक रिसर्च की जो बेस होती है वो होती है हाइपोथेसिस बनाना। तो ये हाइपोथेसिस आखिर क्या होती है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम हाइपोथेसिस को एक सिंपल वे में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो, जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो, रिसर्च पेपर जब भी आप कोई लिखते हो, तो उसमें जो हाइपोथेसिस हैं वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइपोथेसिस जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो हाइपोथेसिस हैं ये क्या होता है, इट इज़ ए कंसाइज स्टेटमेंट, कंसाइज स्टेटमेंट। तो ये जो ये कंसाइज स्टेटमेंट होता है इट शुड बी क्लियर एंड क्रिस्टल, क्लियर एंड क्रिस्टल, इट शुड बी क्लियर एंड क्रिस्टल, और इसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। सो दैट कि जो आपका जो पेपर, जो आपका पेपर का जो रिव्यू करेगा उसमें ब्लरी इमेज ना आए, ये क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। तो अगर हम इस हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे तो बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं एज एन आइडिया और एक्सप्लेनेशन ऑफ द समथिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन ए फ्यू नोन फैक्ट्स बट हैज़ नॉट येट बीन प्रून टू बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टेटमेंट को मैं आपको विथ एन एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिसर्च टॉपिक चूज़ किया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन श्रीनगर, जो रिसेंटली यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चला था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो इस पे आप काम करना चाहते हो। नाउ आप क्या करोगे विथ योर नॉलेज, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से आप अपने जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसके हिसाब से और जो आपका इंट्यूशन है उसके हिसाब से आप कुछ फैक्ट्स ड्रा करोगे कि ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसा नहीं करना था, वो नहीं करना था, या यहाँ पे इसने ये किया है, ये नहीं करना था, वो करना था। तो आपके नॉलेज के हिसाब से आप कुछ फैक्ट्स को ड्रा कर रहे हो, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द हाइपोथेसिस। और उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, आप अपना जो रिसर्च के जो फाइंडिंग्स है, अपने जो डाटा यूज़ करोगे रिसर्च में, और जो कंक्लूजन एट द एंड रहेगा, कंक्लूजन एट द एंड रहेगा, उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी
उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी लिखने की। सो ये पहले ही प्रिडिक्ट करता है, हाइपोथेसिस जो है ये पहले ही प्रिडिक्ट करता है कि आपका जो डाटा सेट रहेगा वो क्या रहेगा इस रिसर्च को लेके, आपकी जो फाइंडिंग्स रहेगी वो क्या रहेंगे इस रिसर्च को लेके, और आपका जो कंक्लूजन होगा वो किस तरह से होगा। तो ये सब चीज़ें जो डिसाइड होती हैं वो होती है एक, ये जो हाइपोथेसिस आप पहले ही बिल्ड करना चाहते हो, ये जो आप पहले ही बिल्ड आप करते हो हाइपोथेसिस, तो ये सब चीज़ें पहले ही इसमें डिस्कस होती हैं। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसका जो पर्पस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अगर हम इस पे काम करेंगे, हम इस पे रिसर्च अपना बनाएंगे, तो इसका जो रीज़न होगा वो यही है कि किसी भी जो फिनोमिनन है, स्पेसिफिक फिनोमिनन है, उसको ऑब्ज़र्व करना, ये रिसर्च का जो है रीज़न होता है, किसी भी स्पेसिफिक जो फिनोमिनन है उसको ऑब्ज़र्व करना। तो हाइपोथेसिस जो है, हाइपोथेसिस हम कहेंगे कि हाइपोथेसिस जो है वो इस स्पेसिफिक फिनोमिनन को बताता है हमें कि ये जो स्पेसिफिक फिनोमिनन है ये क्या है, और इसको हम टेस्ट अप करते हैं बाय मीन्स ऑफ द टू वेरिएबल्स, यानी हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव हियर टू वेरिएबल्स, वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन वेरिएबल्स के बिना पे ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फिनोमिनन है, स्पेसिफिक फिनोमिनन है, ये क्या है। पहले हम क्या करते हैं, हम किसी स्पेसिफिक फिनोमिनन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये रिसर्च का जो है रीज़न हमें रहता है कि हम किसी स्पेसिफिक फिनोमिनन को ऑब्जर्व करें। तो वो फिनोमिनन एक्चुअली क्या है, वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम टेस्ट आउट करते हैं बाय मीन्स ऑफ द टू वेरिएबल्स, वन इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसमें हम ये चीज़ दिखाएं कि ये जो फिनोमिनन है ये एक्चुअली क्या है, व्हाट एक्चुअली दिस इज़, तो उसी का नाम हम हाइपोथेसिस देते हैं। नाउ यहाँ पे हम जो ये दो वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या चीज़ होती है, ये दोनों क्या होते हैं, तो इनको मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो कलर्स लेता हूँ, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू मैं यहाँ पे दो कलर्स लेता हूँ। जब भी मैं इनको मिक्स करता हूँ, जब भी मैं रेड और ब्लू को मिक्स करता हूँ, तो मुझे जो रिज़ल्ट आता है वो आता है पर्पल कलर। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्पल कलर यहाँ पे मुझे एंड रिज़ल्ट आता है। नाउ ये जो पर्पल कलर है ये कब हमें मिला है, जब हमने मिक्सअप किया है रेड और ब्लू कलर को, दैट मीन्स ये जो पर्पल कलर है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो यहाँ पे रेड और ब्लू है, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी जब मैं इसका कुछ प्रपोर्शन और इसका कुछ प्रपोर्शन मैं मिक्सअप करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो रिज़ल्ट आता है वो आता है पर्पल कलर। और पर्पल कलर जो है ये पहले जब मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, मैंने मिक्सअप नहीं किया है, किसी और ने मिक्सअप किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और ने मिक्सअप किया है और मैं किसी बोतल में देखता हूँ कि पर्पल कलर है, बट जब मैं इसके अंदर घुसता हूँ कि ये कैसे बना है, ये जो पर्पल कलर है ये कैसे बना है, तो मैं देखता हूँ कि जब मैंने रेड और ब्लू को मिक्सअप किया है तो वहाँ से पर्पल कलर निकला है। तो दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज द हाइपोथेसिस, यानी जब आप किसी फिनोमिनन को अंदर जाके उसको वहाँ पे देखते हैं कि इसका जो है मेकिंग जो है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसा है, तो इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। सो दिस वाज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ मूविंग टू द फीचर्स ऑफ द हाइपोथेसिस, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाइपोथेसिस जो है ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ना अगर हम फीचर्स की बात करेंगे,
ये जो हाइपोथेसिस है इसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहला जो इसका फीचर होता है, ये कंसेप्चुअल होना चाहिए, ये वैल्यूएबल होना चाहिए, ये एक वर्बल स्टेटमेंट होना चाहिए। इट शुड बी एम्पायरिकल, दैट मीन्स आप इसमें मेथड्स यूज़ करोगे, साइंटिफिक मेथड्स आप इसमें यूज़ करोगे, तो इट शुड बी लाइक दैट। इट शुड बी टेंटेटिव, वहाँ पे टेंटेटिव रिलेशन आप ऐसे पोजीशन में होनी चाहिए कि आप टेंटेटिव रिलेशनशिप दिखाए दो दोनों वेरिएबल्स के बीच में से। यहाँ पे इट शुड बी द टूल ऑफ द नॉलेज एंड एडवांसमेंट एंड इट शुड बी द टेस्टेड। ये मोरल नहीं होना चाहिए, यानी आप जज्बाती हो के कोई और स्टेटमेंट दे रहे हो, जज्बाती हो के आप विदाउट एनी प्रूफ या विदाउट एनी टेंटेटिव रिलेशन आप कोई अपना ही स्टेटमेंट, हेजिटी जनरलाइजेशन आप बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नाइदर बी टू स्पेसिफिक नॉर टू जनरल। तो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये जो फीचर्स इसके हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और आप यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको प्रिडिक्ट करना, या आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर पाए, तो ये भी एक फीचर है हाइपोथेसिस का। आई थिंक आप यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ये जो हाइपोथेसिस है ये क्या है। सो एट द एंड हाइपोथेसिस जो है ये आपका, अगर हम नटशल में कहेंगे, हाइपोथेसिस जो है ये आपका जो निचोड़ है आपकी रिसर्च का, यानी आपने रिसर्च में क्या क्या किया है, किस तरह से फाइंडिंग्स आपने की हैं, या पहली आप जो जो आपने अंदाज़ा लगाया है कि इसमें ये फाइंडिंग्स होनी चाहिए, इसमें मेरा ये रिजल्ट निकलेगा, इसमें ये कंक्लूजन मेरा रहेगा, तो इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो रिसर्च करते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले रिसर्च को पूरा करते हैं, देन उसके बाद जो है अपने कंक्लूजन में कुछ थोड़ा सा जो कुछ लाइनें उठाकर और अपने डाटा में जो कुछ लाइनें हैं वो उठाकर और अपने जो जो फाइंडिंग्स उन्होंने की है उन लाइनिंग्स को उठाकर वो फिर उन्हीं उन्हीं को क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बिल्डअप करते हैं, जो कि एक अच्छी एक गुड रिसर्च नहीं मानी जाती है। बट द गुड रिसर्च इज दैट कि आप पहले ही अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से और अपनी इंट्यूशन के हिसाब से आप पहले ही ये अंदाज़ा लगाए कि इस रिसर्च में मेरे जो और मेरी नॉलेज के मुताबिक जो है इसमें ये कंक्लूजन रहेगा मेरा, इसमें ये मेरा डाटा जो है ये इस्तेमाल होगा और इस तरह से मेरी फाइंडिंग्स रहेगी, तो वो एक अच्छी हाइपोथेसिस मानी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो टाइप्स है, तो दैट यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप कमेंट में बता दीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसके जो डिफरेंट टाइप्स है वो क्या क्या है, सो दैट ये जो टॉपिक है आपका इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।